तो पता चल गया है क्या? दर्द ही तो है। अब पता चल गया। ये तो पता चल गया कैंसर नहीं है, है? कैंसर नहीं है भाई, कैंसर नहीं है भाई, अरे भाई कैंसर नहीं है। बोले श्रीजय महाराज की। क्या नाम है तेरा? राम प्यारी। बढ़िया नाम है। तो मेरे ताई रखी थी, ताई रखी थी, ताई राम को प्यारी हो गई थी, अब ये प्यारी होनी है। कैंसर और बता दिया डॉक्टरों ने? ऐसे सही है, हाइलाइट टूट के आई है, हाइलाइट कानपुर में। क्या कह रहा है? हाइलाइट से अस्पताल नाम है। अस्पताल का नाम है? हाँ, हाइलाइट। कितने रुपए ले लिए उसने? अब रुपए तो 10-12-15 हज़ार सब जांचों में लग गए। हाँ, अब और लगने थे, मूल तो अब लगना। हाँ, लगना तो और था, लेकिन किसी ने हमको पता दे दिया यहाँ का, तो हम आ गए। तो ये तो पता नहीं था, हम कैंसर तो ठीक नहीं करते, कैंसर के तो वैसे मरीज ठीक हो जाए, हम तो प्रेत और पितरी निकालते हैं भाई, रोग सारे ठीक होते हैं यहाँ, इसका मतलब प्रेत पितर से सभी रोग हो जाते हैं। हाँ। इसलिए डॉक्टर केवल पैसे पैसे खाता रहता है। जी सर। एक बार खड़ी हो, फूंक लगवा और मेरे को बताइए फूंक कहाँ लगी। जब तक फूंक वहाँ ना लगे जहाँ कैंसर का गांठ, बताइए, तब तक वो मत मानिए। आंख बंद करके देख, झन 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 कहाँ हो रही है, फूंक जाएगी भागी भागी तीर की तरह। भाई आप घास पे क्यों खड़े हैं? इधर आ जाओ या अंदर बैठ जाओ। यहाँ गई है, देख लो भाई, फूंक कूले पे ही गई है जहाँ कैंसर बताया था। अब भाई डॉक्टर को कहाँ कहेगी? ये कह बेटा तुझे अभी सीखने की जरूरत है, तू अभी डॉक्टर बना नहीं है, डॉक्टर बनने में तुझे कई करोड़ साल लगेंगे। बोले मैं ही 500 साल होके जन्म ले लूंगी तब भी तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा। उसको बोल दे, असली डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक। चिकित्सक वो होता है जो आपकी चिकित्सा सही से कर दे, ठीक है, बहकाना दे आपको, रोग कोई है बता कुछ हो रहा है आगे ना। एक कौन सा चिकित्सक है, हम भी तो हैं, कान में फूंक मारते हैं, कछु ना ही निकले तो कह देते हैं जा डॉक्टर के दिखा दिए, हमारा कछु नहीं है। वो तो नहीं कहता, तेरे को कहा भूत वाले के पास चली जा, नहीं कहा ना? हाँ, ये क्या हुआ, फूंक कहाँ गई? ये तो यू पैर से कांप रहा है, यहाँ से कांप रहा है ना, फूंक तो यहीं चली गई, ले फूंक तो कैंसर पे ही चली गई। अब कैंसर को खत्म फूंक डालेगी, कैंसर को फूंक डालेगी फूंक। आजकल के डॉक्टरों का ये हाल है, बोले भाई हम विज्ञान के अनुकूल काम करते हैं। अरे शैतान के अनुकूल काम करो, विज्ञान के अनुकूल काम करने में घाटा है, शैतान के अनुकूल काम करने में फायदा है। इसके 2-4 लाख रुपए इस गरीब के बच जाएंगे। देखा नहीं वो लड़का कल 20 लाख रुपए लगा चुका था सिर के दर्द के ऊपर, लोगों को पता ही नहीं है। अभी वो आई थी थोड़ी देर पहले माता जी, कितने पैसे बता रही थी, 2 और मांग लिए, 10 पहले दे दिए उसने, है कि नहीं? पेट के कमाल हद है, हद किसी चीज की हद है। चिकित्सा और शिक्षा इन दोनों ने काट के खा लिया है लोगों को। आदमी के पास जो पैसा जुड़ता है आधा वो अपने बच्चों की शिक्षा पे लगा देता है, आधे को चिकित्सा ले दौड़ती है, और बच्चे अभी भी भूखे हैं। आगे ना कितने मकान बेच लो, कितनी दुकानें बेच लो, आपकी जमीनें कम होती जाएंगी, वैसे एक आदमी की प्रॉपर्टी बढ़ती दिखाई देगी जिसका स्कूल है और जिसका चिकित्सालय है। आगे ना जो MBBS MD है वो कह रहा है मैं 2 करोड़ में डिग्री लेके आया हूँ, तेरे से 200 करोड़ मैंने कमाने हैं, तुम्हारे से 2 करोड़ की डिग्री है, 200 करोड़ तो कमाएगा ही, है कि नहीं? कमाएगा कि नहीं कमाएगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कोई चाहे 1 बजे का बैठा हो, उससे क्या मतलब? क्या दीदी बड़ा बैठो पीछे, देवता का नाम।